ये आकाशवाणी है, लहलहाती उमंगें। आज प्रस्तुत है श्री इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा के तेलुगु नाटक आकुपच्चनी कोरिकलु का ये हिंदी अनुवाद। हिंदी अनुवाद डॉक्टर अन्नपुर रेड्डी श्री राम रेड्डी ने किया है। तो सुनिए नाटक लहलहाती उमंगें। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। ठीक है, प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है, मगर क्या हम इतनी दूर से उसे मैनेज कर सकेंगे? हाँ, क्यों नहीं। देखो कमला, मैं कौन सीमा में पैदा हुआ हूं। बचपन के 16 साल मैंने वहां बिताए हैं। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक अनएक्सप्लोर्ड एरिया है। इतने साल बाद जाकर क्या हम वहां फैक्ट्री नहीं लगा सकते? हाँ, इतने वर्षों में कौन सीमा पहले वाला कौन सीमा नहीं रहा होगा। हालांकि वहां रेल का रूट नहीं है, लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है। अब हम वहां निश्चित रूप से इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, जरूर कर सकते हैं। हमारे चंद्रम ने केमिकल टेक्नोलॉजी की स्टडी की है, हम उसे विदेश से बुला सकते हैं। ये प्रोजेक्ट हम उसे ही सौंप देंगे। गुड आइडिया कमला। उस प्रदेश से मेरा इमोशनल अटैचमेंट है। कुछ लोग हैं वहां जिनके लिए मेरे मन में बहुत गुस्सा है। अब वहां कोई नहीं जानता कि ये वीआर राघव कौन है। इसे रहस्य बनाकर रखने की क्या बात है? आप वहां शान से जाइए और किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति कर वहां काम शुरू करवा दीजिए। हाँ, ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमला मेरे अंदर अभी थोड़ा बचपना बाकी है। मैं वहां अचानक जाकर सबको अचरज में डाल देना चाहता हूँ। मैं पैसेंजर ट्रेन में, बस में, तांगे में और पैदल चलकर वहां पहुंचना चाहता हूँ। तुम इसे मेरी सनक समझ सकती हो। जैसी आपकी मर्जी, लेकिन आप मुझसे परियों की कहानी की तरह ये मांग ना कीजिएगा कि मैं सुबह सुबह आपके लिए रोटियां पकाकर उनकी पोटली दिन के खाने के लिए आपके हाथ में पकड़ा दूं। तो तुम कल रवाना होगे? हाँ। ठीक है, मैं इस रहस्य की रक्षा करूंगी साहब। अच्छा, विठल ने क्या कहा? वही जो तुमने कहा, प्रोजेक्ट अच्छा है। मतलब ये कि आपने 10 दिन के लिए अपने सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं, है ना? अरे भाई, पति बेचारे को तो एक ही अधिकार मिला हुआ है, चुप रहने का। बाकी सारे अधिकार तो पत्नी के पास ही हैं। क्या कहती हो? बस कीजिए, आपके सामने कोई कुछ कह सकता है क्या? हाँ। कुछ भी तो नहीं बदला है, सब कुछ वैसा ही है। ये लो भाई पैसे। एक मिनट, अभी आती हूं। कौन है आप? तुम चंद्रवदना हो? चंद्रवदना के घर में चंद्रवदना ही रहती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात है क्या? नहीं तो फिर जरा पहचानो मुझे। मैं अगर आपको जानती भी होंगी तो भी अब पहचान नहीं सकूंगी, क्योंकि
अब हम लोगों ने अपना व्यवसाय छोड़ दिया है। चंद्रा, मैं हूँ, मैं राघव। राघव, तुम राघव हो? माँ, राघव आया है। कितने साल हो गए हैं, अब आए हो। माँ तुम्हारी चिट्ठी का इंतजार कर रही थी और बदले में तुम खुद चले आए। अब माँ के बारे में कोई फिक्र नहीं। कौन? राघव आया है चंद्रा? अरे लैंप तो जला, मुझे दिखाई नहीं देता। राघव मेरे बच्चे, तुम आए हो। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटे, तुम खुद आए हो। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हें मेरे पत्र का जवाब तक देने की फुर्सत नहीं होगी, और तुम खुद आए हो। देख लो मैं किस हालत में हूँ। गलत ना समझना बेटा, बचपन के संबंध के नाते मैं तुम कहकर पुकार रही हूँ। हाँ। अरे माँ, तुम्हें याद है एक बार मैंने तुम्हें आप कहकर बुलाया था तो तुम कितनी बिगड़ी थी। हाँ, और बोली थी कोई माँ को आप कहता है? हाँ, अब तुम ही बताओ, क्या कोई माँ बेटे को आप कह सकती है? मेरे बच्चे, मेरे राघव। हाँ माँ, मैं सचमुच तुम्हारा राघव ही हूँ। तुमने खाना खाया? अरे खाऊंगा माँ, खाऊंगा। तुम बैठो। अरे बैठो ना माँ। ले मुझे तुमसे कितनी बातें पूछनी है, कितनी बातें बतानी है। अरे हाँ, हमें बरसों की बातें करनी है रे। तू कम से कम 2 दिन तो यहाँ रहे। 2 दिन? अरे मैं तो यहाँ 10 दिन रहूंगा। अरे 10 दिन? लेकिन देख माँ, अभी किसी को बताना नहीं मैं कौन। अच्छा बेटा, नहीं बताऊंगी। अरे कामेश्वर बाबू, आप? ओहो, जगपति जी भी पधारे। आइए आइए। ओ नूकराजू, जा जल्दी से डाब काट कर ला। नहीं नहीं, हम अभी काफी पी कर आए हैं। हम तो कुछ जरूरी बात करने आए हैं। जरूरी बात करने आए हैं तो लिटिगेशन के बारे में ही होगी। भाई मैं मजाक कर रहा था, बुरा ना मानो। कहिए क्या बात है? अरे आप तो उस दिन कह रहे थे हैदराबाद जाएंगे, बाद में कहा नहीं जाएंगे। आप लोग अगर मेरे साथ आ जाएं तो हम इस एरिया में एक फैक्ट्री खड़ी कर सकते हैं। भाई साहब, इसी बारे में आपसे बात करने आए हैं। गवर राजू जी, आप ही बताइए, अगर हम सचमुच ही यहाँ फैक्ट्री खड़ी करें तो इसके सबसे ज्यादा शेयर आप खरीदेंगे ना? घुमा फिरा कर बात मत कीजिए कामेश्वर बाबू, साफ साफ कहिए क्या कहना है। हैदराबाद जाना, बड़े बड़े लोगों से मिलना, ये सब काम पूरे हो गए हैं, लेकिन फैक्ट्री शुरू करने के लिए बहुत चीजों की जरूरत होगी। करोड़ों का मामला है, इसलिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना होगा। हाँ, ये बात हमें मालूम है। हम बैंक से लोन ले सकते हैं, एक तो दे भी नहीं पाएगा, कई बैंकों से लोन लेना होगा, लेकिन जब तक रिजर्व बैंक मंजूरी नहीं देगा बैंक लोन नहीं देंगे। ये बात भी हमें मालूम है। ठीक है, तो अब हमें आगे कदम उठाने चाहिए। हाँ, लेकिन होशियारी के साथ। आपने कहा सेंटर में आपके रिश्तेदार हैं, स्टेट गवर्नमेंट में आपके दोस्त हैं, तो आपने तो सेंटर से स्टेट तक नाते जोड़ रखे हैं। ऐसे कॉन्टैक्ट्स तो शायद ही किसी के हों। हमें तो बहुत आसानी से लोन मिल जाना चाहिए। एक छोटी सी अड़चन आ रही है, अगर आप सहारा दे दें तो हम मिनटों में किनारे लग जाएंगे। तभी तो मैंने कामेश्वर बाबू के साथ लिटिगेशन का नाम जोड़ा था। जगपति बाबू, ये तो अपना काम निकालने के लिए अपने खून पीने वाले राक्षस के पैरों पर भी गिर जाएंगे। जी, जैसे वो ऊंट था ना जो अरब के तंबू में घुस गया था, उसी तरह कामेश्वर बाबू।
भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, बुरा मत मानना। अरे आप भी कैसी बातें कर रहे हैं गबर राजू जी, हम क्या दुश्मन हैं आपके? अरे इंसान से ही तो गलती होती है, टाइम सब कुछ ठीक कर देता है, आप हमें दुश्मन ना समझे। हाँ कोई बात नहीं, आगे कहिए। आपने वीआर राघव का नाम सुना है? बिजनेस वर्ल्ड में उनका बहुत नाम है, उनकी कई फैक्ट्रियां और शिपिंग एजेंसियां हैं। उन्होंने कामेशम भाई और मुझे भी कोर्ट नोटिस भिजवाए हैं। वो तो हमारे एरिए का आदमी नहीं है, वो तुम्हें नोटिस कैसे भिजवा सकता? आप अभी भी नहीं समझे, अरे वो हमारा साला राघव राव है। अरे ये वही छोकरा तो नहीं जो बहुत पहले भाग गया था? हाँ, वही। वो इतना बड़ा आदमी बन गया, क्या कहता है वो? कहता है कि जब वो माइनर था तब से हम उसके पुरखों की संपत्ति का उपभोग कर रहे हैं और हमने उसकी सारी जमीन जायदाद हड़प ली है। अब वो हमसे अपना सारा पिछला हिसाब चुकता करना चाहता है। शाबाश, लेकिन वो इतने साल चुप क्यों रहा? खैर जो भी हो, क्योंकि प्रॉपर्टी उसके पुरखों की है इसलिए वो अब अगर ये बात उठाता है तो तुम लोगों की गर्दनें फंस जाएंगी। इसीलिए तो हम आपके पास आए थे कि आप हमारे साथ उससे मिल लें और उसे समझा दें कि जमीन तो हमारे एरिया में है और वो यहाँ रहता नहीं है, इसलिए हमसे टंटा कर उसे कुछ मिलेगा नहीं, हमसे समझौता करना ही उसके हित में होगा। उसकी समझ में बात ना आए तो जरा उसे धमका दीजिएगा। अरे भाई वाह, जिसने उसके पिता की हत्या की थी तुम उसी को अपना दूत बनाकर उसके पास भेज रहे हो? तुम समझते हो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पी सकेंगे? चलो मान लिया मैंने उससे बात कर भी ली, तो भी क्या तुम वो समस्या सुलझा सकते हो जो अमृतवल्ली ने खड़ी कर रखी? वो समस्या तो मिनटों में सुलझ जाएगी। राघव अमृतवल्ली को समझा देगा कि और जमीन की तरह वो नारियल का बगीचा भी हमारी संपत्ति है। वाह कामेशम जी वाह, आपने जगपति जी को भी सयाना बना दिया है, तारीफ करनी होगी आपकी। ठीक है, लेकिन ये बताइए ये सब कुछ करने पर मुझे क्या मिलेगा? हम एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं गबर राजू जी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी पूंजी देखकर ही झट से हमें लाइसेंस नहीं पकड़ा देगी, वो ये भी तो देखेगी कि हमें फैक्ट्री चलाने का अनुभव है या नहीं, हम कितना कच्चा माल मंगा रहे हैं, हम प्रोडक्शन में कितना टाइम लेंगे, हमारा फिनिश प्रोडक्ट कितने दिन में मार्केट में आ जाएगा, उसकी क्वालिटी कैसी है, वो ये सब जानकारी भी चाहेंगे। बिल्कुल, अब हमें तो खेती बाड़ी का अनुभव है, राघव को इन चीजों की बहुत अच्छी जानकारी है, हम उससे कहेंगे कि वो हमारे कुछ शेयर ले ले, उसके कारण हमें लोन भी आसानी से मिल जाएगा। राघव का ध्यान अगर इस ओर चला गया तो वो जमीन जायदाद के बारे में कोई टंटा भी नहीं खड़ा करेगा। आप बताइए कैसी है हमारी योजना? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी, तुम्हारे एक तीर से हम दोनों का यानी मेरा और राघव का शिकार हो जाएगा। जी? फैक्ट्री के हिसाब में झमेले खड़े करके वो मुझे धोखा देगा और जमीन के मामले में 100 झंझट खड़े करके मैं उसे धोखा दूंगा, तुम किनारे पर खड़े होकर तमाशा देखना। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया समझौता करने आए हो। नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझे, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। नहीं, मैं तुम्हारी सब चाल समझ गया, सब समझ गया। जाइए जाइए, आप लोग अपना रास्ता देखिए। चलो जगपति भाई, आओ चल भाई। इंडिया में फैक्ट्री लगाने वाला सिर्फ एक राघव ही नहीं है, मैं भी देश भर में घूमा हूं, मुझे अगर कोई आइडिया खरीदना ही होगा तो मैं विदेश में जाकर खरीद लूंगा। राघव, वो
वो सरहद देखो, वहां तक गवर राजू की जमीन है और यहां से हमारा बागीचा शुरू होता है। बहुत अच्छा लग रहा है सब देखकर। कितने साल हो गए मुझे ऐसी हरियाली देखे हुए, ऐसी शीतलता महसूस किए हुए। तुम्हें मालूम है चंद्रा, अंग्रेजी के कवि ने क्या कहा है? क्या कहा है? आदमियों की भीड़ देखकर दिमाग में जो विकृति आ जाती है, उससे मुक्ति पाने के लिए हमें हरे भरे वृक्षों की ओर देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर उगती है। अच्छा, कवर राजू जी यहाँ किस चीज की फैक्ट्री लगाएंगे? शायद केमिकल्स की। अगर वो इन हरे भरे खेतों और इन घने बागीचों को बर्बाद कर या फैक्ट्री ना लगाएं, तो कोई क्या हर्ज है? फैक्ट्री लगवाने से शायद उनको ज्यादा फायदा होगा। क्या कुछ पैसों के फायदे के लिए हम एक सुंदर और अच्छी चीज नष्ट कर दें? धन पिशाच तो इस तरह नहीं सोचता। चंद्रा, मैंने कई फैक्ट्रियां खड़ी की हैं, कई तरह के व्यवसाय कर रहा हूं मैं। अगर जमीन खेती के लायक नहीं है, उसमें सिंचाई के पानी की व्यवस्था नहीं है, तब तो आदमी कई एकड़ जमीन लेकर वहां कई फैक्ट्रियां लगा सकता है। हर प्राकृतिक वातावरण का एक संतुलन होता है, उसकी परिधि में कुछ ही चीजें आ सकती हैं। कवर राजू अगर यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो इस प्राकृतिक वातावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। तुम उसे रोक नहीं सकते। जो लोग फैक्ट्री के लिए लाइसेंस देते हैं चंद्रा, वो बहुत चीजों का ध्यान रखते हैं। अगर कवर राजू उन सब शर्तों को पूरी कर सके, तभी वो यहाँ फैक्ट्री बनवा सकेंगे। वो तो राक्षस है, किसी भी तरह लाइसेंस पालेगा, तभी उसे चैन मिलेगा। तब मैं उसे रोकूंगा। ये अमृतवल्ली माँ की जमीन हड़पने की समस्या नहीं है, ये समस्या है इस स्वच्छ वातावरण को दूषित होने से रोकने की। मैं इसकी रक्षा करूंगा। 10 दिन में से 5 दिन तो तुम्हारे निकल गए हैं, 5 दिन बाद तुम चले जाओगे। अरे नहीं पगली, मैं नहीं जाऊंगा। अगर गया भी तो फिर आ जाऊंगा। आसपास जमीन खरीदूंगा, उसमें खेती करूंगा। जल्दी क्या है? चल चल अब घर चले। चलो। कामेशम भाई, लगता है चंद्रवदना ने किसी बूढ़े लंपट को घर में रख लिया है। कल मैंने उन दोनों को नारियल के बगीचे के मोड़ पर देखा था। अरे मैं तो ऊब गया हूँ चकपति भाई। अच्छा तो यही होगा कि हम राघव के पैरों पर गिर पड़े और अपनी गलती स्वीकार कर उससे माफी मांग लें और उससे समझौता कर लें। कवर राजू 25 एकड़ जमीन का जो टुकड़ा खरीदना चाहते हैं, वो राघव के पिता का है। हम वो जमीन उसे सौंप देंगे। जहां तक उसकी माँ के गहनों का सवाल है, मैं ऐसा नहीं सोचता कि उनके लिए वो अपनी बहनों से लड़ेगा। रहा घर, तो हमने तो उसे छुआ तक नहीं है। उसकी गैर हाजिरी में हम तो घर में सिर्फ इसलिए रह रहे हैं कि वो कहीं खराब ना हो जाए। अरे घर तो उसी का है। क्यों, ठीक कह रहा हूं ना जगपति भाई? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अगर हम और राघव समझौता कर एक हो जाएं, तो कवर राजू ढीला पड़ जाएगा। वो बस फुंकारता ही रहेगा, डस नहीं पाएगा। तुम अभी कह रहे थे ना कि चंद्रवदना ने किसी को घर में रख लिया है। शायद उसने अपनी माँ की जमीन को बचाने के लिए ऐसा किया होगा। सुनो, जरा पता तो लगाओ वो आदमी कौन है। बाकी बातें बाद में। ठीक है। राघव। हाँ माँ। तुम्हारी चिट्ठी आई है। लाओ माँ। कहाँ से आई है? मेरे बड़े बेटे ने लिखी है। उसने हमारे एक दोस्त मिस्टर सुंदर राजन की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट से फैक्ट्री के लिए लाइसेंस पाने की व्यवस्था कर ली है। क्या तुम यहाँ फैक्ट्रियां खड़ी करोगे? कल तुमने मुझसे क्या कहा था? वही अब भी कह रहा हूँ चंद्रा, फैक्ट्री वाला प्रस्ताव मैं कैंसिल करवा रहा हूँ। माँ की चिट्ठी देखते ही
मेरे मन में गवर राजू के लिए क्रोध जाग गया था और मैं ये सोच कर आया था कि मैं भी गवर राजू की टक्कर में यहां फैक्ट्री खोलकर उसे लोहे के चने चबवा दूंगा। लेकिन यहां इस प्रदेश का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मेरी समझ में आ गया है कि जगह भारी उद्योगों के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यहां कुछ अच्छा काम करना चाहता हूं। मेरे बच्चे, ये तुमने बहुत ही अच्छी बात सोची है रे। मैं कल ही तुम्हारे पिता का दिया नारियल का बागीचा तुम्हारे नाम कर देती हूँ। तुम कल उसकी रजिस्ट्री का इंतजाम करवा दो। अरे माँ, मैं तो यह बागीचा अपनी बहन चंद्रा को दे रहा हूँ, फिर रजिस्ट्री की क्या जरूरत है? राघव, हट पगली, चल देख बाहर कौन आया है। अच्छा, आप? हाँ बेटी, हम ही हैं। राघव, ये राघव कौन है? तुम ही हमारे राघव हो। हम तुम्हारे पैरों पर गिरने आए हैं। देखो राघव, अगर हम अदालती पचड़ों में ना पड़े तो बहुत ही अच्छा होगा। वैसे मैं तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी का सारा हिसाब लाया हूँ, लेकिन अगर हम कोर्ट में जाए बिना आपस में ही ले देकर समझौता कर लें तो सब काम शांति से निपट जाएगा। देखिए, आप लोग मेरे कुछ देने की बात मत कहिए, क्योंकि मैं यहां लेने ही आया हूं और मैं लूंगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपसे अपना सब कुछ ले लूं या कुछ आपके लिए भी छोड़ दूं। ये जेवर गहनों की लिस्ट है और ये मकान और जमीन जायदाद से संबंधित दस्तावेज। अब आगे तुम्हारी इच्छा। ठीक है, इन्हें यहां छोड़ जाइए, इसके बारे में आपसे फिर बात करूंगा। चलो झटपट भाई। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गवर राजू जी, देश को फैक्ट्रियों की जरूरत है, लेकिन इस हरी भरी फसल उगलती धरती पर नहीं। देखिए, हमें एक दूसरे के रास्ते में नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आप अपनी फैक्ट्री कहीं दूसरी जगह लगाएंगे तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। राघव बाबू, ये सच है, मैंने आपके साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन मेरे हाथों पर जो खून के दाग हैं उन्हें अब धो लेना चाहता हूँ। जब घरवाली और बेटी की एक साथ मृत्यु हुई तो मुझे तुम्हारा ध्यान आया कि तुम्हारा क्या हुआ, तुम कहाँ गए। अब देख रहा हूँ तुम बड़े हो गए हो, योग्य बन गए हो। अब मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है, मैं अब बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे मेरी ये जमीन लेना चाहते हो तो ले लो, मुझे इस जमीन पर फैक्ट्री नहीं लगानी है। मेरी समझ में आ गया है कि हरी भरी फसल उगलती धरती फैक्ट्रियों के लिए नहीं, खेती के लिए, बागों बगीचों के लिए है। कवर राजू जी। हाँ बेटे, हाँ। बेटा सच, क्या क्या तुम पक्के तौर पर यही रहोगे? हाँ माँ। काम काज बेटों को सौंप दोगे? हाँ माँ। अच्छा, तुम्हारी बहू ने लिखा है वो भी यहीं आ जाएगी। हाँ। मैं पिताजी के बनवाए हुए घर में शेष जीवन बिताना चाहता हूँ। अच्छा बेटा। मैं हरियाली से भागकर शहरों की मशीनी सभ्यता में चला गया था माँ, वहां मुझे सफलता भी मिली, लेकिन अब मैं फिर प्रकृति की हरी भरी गोद में वापस लौट आना चाहता हूं। बहुत भाग चुका, अब शांत बैठकर बदलती हुई ऋतुओं का खिलवाड़ देखना चाहता हूं, आकाश में उन्मुत भाव से उड़ते हुए पक्षियों का कलरव सुनना चाहता हूं, माँ के दूध की तरह स्वच्छ अपने कौन सीमा गांव की इस हरी भरी गोद में बच्चे की तरह
निश्चिंत भाव से सुख की नींद सो जाना चाहता हूं। लहलहाती उमंगें, अभी आपने श्री इंद्रगंटी श्रीकांत शर्मा के तेलुगु नाटक आकुपच्चनी कोरिकलु का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवाद डॉक्टर अन्नपुरेड्डी श्री राम रेड्डी ने किया। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका बीना भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री अश्वनी कुमार, सुरेंद्र सेठी, जैमिनी कुमार वीरेंद्र, बी एस भटनागर, बी एल टंडन, बाबला कोचर, अजय कौशिक, कमला कुमारी चोपड़ा, कुसुम मिश्रा, सुनीति कोहली, सुषमा कौशिक और श्याम अरोड़ा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया है।